आइए जानकारी लेते हैं कि परिसंघ की रैली का क्या मुख्य उद्देश्य है और ये रैली क्यों बुलाई गई है। मैडम आपका नाम? बढ़िया, मेरा नाम सुनीता गोला है। सुनीता गोला, हाँ जी। मैडम आप यहाँ क्यों आई हो, क्या कारण है यहाँ आने का आपका? मैं सर के साथ बहुत पुरानी जुड़ी हुई हूँ, परिसर से भी जुड़ी हुई हूँ, उनकी रेड़ी पटरी के उनकी मेंबर भी बनी हुई हूँ। रेड़ी पटरी के? हाँ जी। सर मतलब उदित राज जी? डॉक्टर उदित राज जी, हाँ जी, उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज जो आने का क्या मकसद है आपका? ये इनकी परिसर की रैली है, परिसंघ की रैली है। तो हाँ जी, रैली के अंदर क्या बताया जा रहा है आप लोगों को? अभी तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, जरा अभी थोड़ी देर पहले ही आए हम। हाँ मैडम, ये हमारा रैली इसलिए है क्योंकि जो एससी एसटी जो अनुसूचित जाति के लिए है उनको आरक्षण दिलाने के लिए है। और ये इस तरह के जो हर जगह हर कैटेगरी के, या नौकरी हो या किसी भी कैटेगरी में एससी वालों को अभी भी ऐसा है, कितने ही पढ़ लिख गए हैं, कितना ही कुछ भी हो गया है, लेकिन फिर भी आज कल नीच जाति वालों को नीच नज़र से ही देखा जाता है। नीची जाति वालों को नीच देखा जाता है? कौन है नीची जाति वाले? देखने सोच, ये अपनी अपनी सोचने की आप समझ है, इंसान तो सब एक ही है, चाहे हिंदू की अलग अलग कैटेगरी भगवान ने तो बना के नहीं भेजी, ये इंसान नहीं बना के भेजी है। आजकल जाति का भेदभाव, ये ब्राह्मण हो गए या ऊंची जात वाले हो गए, इन्होंने अछूत बना दिया है। लेकिन अछूत होता क्या है ये तो समझ नहीं, ये अछूत के बारे में यही तो समझाने के लिए क्या है, इसके भेदभाव को मिटाने के लिए कि ये आरक्षण मिटाओ, ये छुआछूत मिटाओ, इसको दूर करो। खून तो हमारा एक ही है, लेकिन फिर भी जाति के नाम पर क्यों लोग भेदभाव करते हैं? मैडम आपका नाम? रिंकी सागर। रिंकी सागर, हाँ। आज परिसंघ की जो रैली है इसको अपनी ताकत दिखाते हो, उदित राज जी ने अपनी ताकत दिखा रहे हैं और यहाँ पब्लिक बुला रखी है, काफी तादाद के अंदर यहाँ पब्लिक आ रही है और पब्लिक यह आरक्षण रैली सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम और जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम बाबूलाल खटीक है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आया हूँ। बाबूलाल खटीक जी, सर एक तरफ जातिवाद को खत्म कर रहे हैं और आप अपने नाम के आगे बाबूलाल खटीक लगा रहे हैं। तो सर भगवान ने जन्म दिया जिस जाति का, तो जिस जाति को बताना ही पड़ेगी, हम क्यों अपनी जाति को छुपाएंगे? हम दलित परिवार से, तो हम दलित परिवार के हैं और रहेंगे, लेकिन हमें गर्व है कि हम दलित परिवार से। और हम आरक्षण की जो मांग का जो चल रहा है हमारा ये इस रैली का, इस कार्यक्रम के अनुरूप, इसमें हमारा पूरा समर्थन है डॉक्टर उदित राज जी को। सर आपके यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या? मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं परिसंघ से जुड़ा हूँ, भले मैं व्यापारी हूँ, मैं कर्मचारी नहीं हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि मेरा दलित परिवार आगे बढ़े और जो अभी संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है उसका हम संघर्ष करेंगे, उसका पूरा सामना करेंगे। अभी सर ने बताया कि अभी संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और हम इसका विरोध करेंगे, तो आप लोग किस लिए आए हैं? हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग आए डॉक्टर उदित राज साहब ने हमको ये रैली जो रखा है उसका एक्चुअली जो मेन उन्होंने 4-5 पॉइंट दिए, एक तो प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सभी को जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा जो है उसको, उसमें तो हमारा कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, प्राइवेट कंपनियां फैक्ट्रियां उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो सब को हमको हमारा मतलब बेसिक जो चीज़ है जो एक्चुअली बाबा साहब ने संविधान में सब दिया है, लेकिन ये सब फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरा 170वां संविधान संशोधन जो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पेंडिंग है, उसको पूरा करना चाहिए, वो सभी सांसदों के ऊपर आज का इस मीटिंग के बाद थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं और हम लोग डॉक्टर साहब के साथ पूरा तन मन धन से साथ में हैं।